आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट वाला आइसक्रीम। बहुत ही सॉफ्ट और मलाईदार एक कोकोनट ले लेंगे, उसे हाफ फोड़ कर उसे अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद उसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो एक बहुत ही एकदम इस दुकान में मिलने वाला एक कोकोनट आइसक्रीम बन जाएगा। अब हमें लेना है हाफ लीटर मिल्क, उसे अच्छे से उबाल लेना है। उसमें 5-6 चम्मच शुगर लेना है अकॉर्डिंग योर टेस्ट, जिसको ज़्यादा मीठा चाहिए वो उतना मीठा लेगा। तो कोकोनट मेरा बहुत ही टेस्टी है, स्वीट है, तो मैंने ज़्यादा इसमें शुगर नहीं दिया है। तो इसके बाद हमें इसे अच्छे से उबलने देना है। दूध हमारा बहुत उबल चुका है, अब इसे ठंडे होने देना है, इसे हमें बाहर निकालना है। इसके बाद हम देखते हैं मिक्सी में जो हमने सॉफ्ट और नारियल लिया था, सॉफ्ट वाला मलाईदार नारियल लिया था, उसमें अब हमें ये शुगर मिक्स किया हुआ मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लेनी है। ग्राइंडिंग करने के बाद अब देखते हैं कैसा हमें इसे क्या करना है, देखते हैं। अच्छे से हमें ग्राइंडिंग कर लेना, मिक्सी से निकाल के हमें एक मोल्ड में रखना है। उसे 1 घंटे तक हमें फ्रीज में रखेंगे। उसके बाद जब फ्रीज से निकालेंगे, फिर हमें 1 घंटे के बाद उसे अच्छे से फिर रीमिक्स करना है, जिससे हमारा आइसक्रीम भी बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा, एकदम मार्केट जैसा। एक घंटा हो चुका है, अब हमें मेरा आइसक्रीम जम चुका है, मैंने इसे फिर मिक्स कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब मैं इसे आज और आशीष के लिए दे रही हूँ। थैंक यू।